कृपया आपका स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सर। माननीय विधायक भोजपुरा एवं पूर्व राज्य मंत्री राजस्व विभाग करें, उनके साथ में जूरी पैनल के विशेषज्ञ आयुष के सूरी जी, आपकी सरलता का मैं कायल हूँ कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। मैं चार माननीय पंक्तियां विधायक के चरणों में प्रेषित करना चाहता हूँ। मैं अभी उन्हें हार पहनाने जा रहा था, लेकिन वो हारने वाले व्यक्ति नहीं है, वो जीतने वाले व्यक्ति। नजर नजर में उतरना एक कमाल होता है। नजर अगर बात आप तक पहुंचे तो आप लोग अपनी तालियों से मुझे आशीर्वाद देना। मैं चरणों में चार पंक्तियां रखना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और बरेली शहर को दशा और दिशा देने का काम कर रहे हैं। समाज में बच्चों में एक बड़ा बताना चाहता हूँ, वो सत्य की आवाज उठाते हैं और अगर पार्टी में भी कहीं कुछ गलत चलता है, मैं उनको बहुत करीब से देखता हूँ, तो वो उसको भी विरोध करते हैं। सत्य न तो ज्यादा होता है न कम होता है। आप तो विज्ञान के छात्र हैं, सत्य सत्य होता है। अगर सत्य ज्यादा हो गया तो वो सत्य नहीं रहता, वो कम हो जाए नहीं रहता। तो बच्चों, वो आप लोगों से बात कहना चाहता हूं। बच्चों देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग यहां पर बच्चे हैं, मैं आपको कुछ विज्ञान की बातें देना चाहता हूं। अभी हमने स्वाई बीमारियां भी हो जाएगी, कुछ मैं गहरी बात कहने आया हूँ। मैं तमाम बड़े बड़े कॉलेजों में जाता हूँ। अभी कानपुर मेडिकल कॉलेज में मैं गया था और आप लोग यहाँ पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। आपके घर का हो, आपके परिवार का हो, शायद आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो, लेकिन मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप में से ही कोई व्यक्ति जो है इंजीनियर बन सकता है, आप में से ही कोई डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आपको करना क्या है? स्वामी विवेकानंद जी में अपनी छठी इंद्री जागृत कर रही थी। कैसे? भारत वो देश है जो वीरांगनाओं का देश है, जो वीर पुरुषों का देश है। हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी बच्चों बचपन में माखन खाते थे, माखन खाते थे तो हर चीज के पीछे संदेश है। बच्चों को बचपन में मक्खन खाना चाहिए। माखन खाने से क्या होता है? दिमाग तेज होता है। हमारे यहाँ जब मैकाले पद्धति आई, आप मैंने कहा जी विधायक जी, जैसे कि इस वक्त आप प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी देखने आए, तो जानना चाहेंगे सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बरेली का नाम रोशन हो रहा है विज्ञान का, यानी कितने छात्र इसमें इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, बरेली को लाभ होगा। और ये हर वर्ष प्रदर्शनी होती है। हमारे डॉक्टर वि प्रकाश शर्मा जिसके कन्वरन है, ये बड़ी मेहनती हैं, हमेशा इनके प्रयास पॉजिटिव रहता है। और इस बरसात के मौसम में भी इतने छात्र छात्रा आए हैं, हम सबको बधाई भी देते हैं। सर सर्वप्रथम तो आपका नाम और पदनाम जानना चाहिए। मैं डॉक्टर एस पी पांडे, प्रधानाचार्य गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली। आज हमारे विद्यालय में जिला विज्ञान क्लब की ओर से दो दिवसीय विज्ञान प्रतियोगिताएं चल रही हैं, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
जो जिसमें 12 इवेंट शामिल की गई हैं, जो 6 इवेंट आज होंगी और 6 कल होंगी, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी है, विज्ञान नाटक है और विज्ञान गमला मेकिंग प्रतियोगिता है, विज्ञान रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता है, विज्ञान क्विज प्रतियोगिता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर से विज्ञान की अभिरुचि रखने वाले, जो विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, वो चयनित बच्चे यहाँ आए हुए हैं, जो आज और कल में अपने विभिन्न प्रदर्शनों का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय विधायक जी ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बच्चों को शुभाशीष देता हूँ कि वो ऐसे ही हौसले और उत्साह के साथ अपने प्रदर्शनों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में आते रहें और आगे बढ़ें और अपने अपने विद्यालय का, जिले का, प्रदेश का और देश का नाम आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में, जिला अधिकारी बरेली के निर्देशन में आज दो दिवसीय विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रतियोगिताएँ रखी हैं। इसमें पोस्टर प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, गमला सजाओ प्रतियोगिता, विज्ञान नाटक, इस तरीके की कई 12 प्रतियोगिताएँ हैं और इन प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना, भारतीय वैज्ञानिकों का समझें, उनको किस तरीके से उन्होंने खोजें की, इस तरीके से वैज्ञानिक रुझान बढ़ाना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जय विज्ञान का नारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसमें जय अनुसंधान का नारा बढ़ा दिया, तो इस प्रकार से बच्चों में एक अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास हो, इस कार्यक्रम का ये मूल उद्देश्य है।